अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जिन जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो सुजा सौदा ब्लॉग को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर कर दें, और दोस्तों से भी कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये शेड मैंने तैयार किया है, लेकिन अभी आधा काम हुआ है। तो मैं अपना चैनल बनाया भाई, हाँ जी नहीं यूट्यूब। लो जी, ये अजीम भाई हैं, ये जो है ना जी, ये बांस का काम करते हैं, बम्बू का। जो भी आपने बनवाना हो इनसे आप से रब्ता कर सकते हैं। मैंने भी शेड बनवाया है इनसे, इनका रब्ता नंबर आपको मिल जाएगा। ये दोनों भाई जनाब यही काम करते हैं, बम्बू काट काट के रख देते हैं। ठीक ये आपको पसंद आएगा, जिस तरह का आप बनवाना चाहें, पूरे पंजाब में जहाँ कहीं भी हो ये बांस का बनाते हैं। जिस तरह की आप डिजाइनिंग कहें भाई, कहता है भी हर तरह की डिजाइनिंग जो है ना जी ये करते हैं। कुर्सी टेबल ऊपर कनोपियाँ, जिस तरह की मर्जी आप चाहें। ये मैंने तो ये मुर्गियों के लिए बनाया था, ये खुली इधर फिरेंगी इंशाल्लाह, ऊपर जाली लगाऊंगा, सर्दियों में ये खुली फिरेंगी। ये देखो ये दोस्त बम्बू वाले जो अपना काम करके, अब इस पर हमारा काम रह गया जाली का, और इसके ऊपर हमने जो ये ना एरिया इसको ऊपर से कवर करना है बारिश के, ये तो इसको तो ऊपर से खुला छोड़ेंगे। अगला हिस्सा जो है ना वो ये खुला छोड़ेंगे, जो हाथ टाइप बनाया इसको हम खुला छोड़ेंगे, इस पर जाली लगाएंगे, और इधर जो है ना इधर तरपाल लगाएंगे। वो हमने आर्डर दिया है, जैसे ही आएगी वो इसको ऊपर लगा देंगे, फिर इंशाल्लाह ताला वो जो नीचे जानवर है ना सब ऊपर आ जाएंगे, फिर नीचे हम बकरियाँ रखेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वो बकरों के लिए ही छतरों के लिए बनाया था। तो अब हम इधर मुंतकिल करेंगे इनको, फिर इंशाल्लाह ताला आपको दिखाएंगे कि आपको कैसा लग रहा है जी हमारा मास्टर केज। ये हमने मास्टर केज ही बनाया है, लेकिन देखो कैसा बनता है, जब मुकम्मल होगा फिर आपको बताएंगे, फिर दिखाएंगे भी आपको। ठीक है, ये देखो जी दोस्तों, ये हमारे पास आया है हमारा फैंसी कबूतर। इससे ना पूरा उड़ा नहीं जाता, वो दूसरी जो है क्योंकि ये साल पूरा बांध रहा है कुटे में, जिधर से हमने लिया है इधर आके ना ये अब हमने इसे खुला छोड़ दिया, तो अब थोड़ा थोड़ा उड़ता है जी, अभी पूरा नहीं उड़ता जी। नीचे मुर्गियाँ परेशान हो जाती हैं, जब जो ऊपर से नीचे आता है ना जी, मुर्गियाँ परेशान हो जाती हैं। वो तो सारे सैर करती है, लेकिन इससे नहीं उड़ा जाता अभी, ये या तो इसका वजन ज़्यादा हो गया इस वजह से। लो देखो ना जी, वो उड़ गई है, वो उड़ जाती है, ये नहीं, इससे नहीं उड़ा जाता, ये उड़ के इधर आ गई है, ये चली जाती है, ये उठ जाती है, उसका लगता है वजन ज़्यादा हो गया, जिस वजह से ना वो थोड़ा उठता है। बस भाई दाना खाओ दाना खाओ, दाना डाला है इनको जी, वो आप जाके बैठ गए, कुतरी बैठ गई है उसके पास। चलो भाई दाना खा लो जल्दी जल्दी। दोस्तों ये अंडे आए था ना, तीन अंडे दिए हुए हैं मुर्गी ने, ये एक चकोर का, ये जो है ना ये स्पेशल अंडा, ये जो है नुक्कर वाला, ये चकोर देती है। हमारे फैंसी कबूतर भी जो है ना बैठे हुए हैं, ये भी दाना, ये कुछ यहाँ जो है ना जी इनको कबूतरों को दाना नहीं खाने देती,
मैं जब आता हूँ फिर जल्दी जल्दी ये नीचे उतरते हैं और दाना खाते हैं, क्योंकि ये देखो ना, ये ऊपर चढ़ जाते हैं, ये ऊपर चढ़ जाती हैं अडारी मार के, और उनका जनाब ये खाना खा जाते हैं। ये देखो जी, दोनों जी मौजे कर रहे हैं। उधर तो ये जिधर से हम लेके आए ना, उधर ये पूरा साल जो है ना जो एक छोटे से डिब्बे में बंद रहे हैं, क्योंकि ये हमारे मुकद्दरों में थे, हमारे पास ही आए हैं। ये अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इनका आप खुडा लाएंगे तो फिर इनको ना उधर उसमें शिफ्ट करेंगे, इस तरह ये ख़राब हो जाएंगे। पिंजरा लाते हैं इनके लिए, क्योंकि ये जो है ना स्टैंड, इस पर इतनी जगह नहीं है अंडे वगैरह दे या दूसरा काम करें। उधर तो ये ना वो जो टीपू की वालदा है ना जी, ये सामने टीपू बैठा हुआ है, टीपू जूनियर, इसकी वालदा जो है ना जी उधर अंडे दे देती है, क्योंकि वो उधर थोड़ा सा छुप के है, छुप जाती है, नज़र नहीं आती किसी को भी, इसलिए ये जूनियर टीपू जूनियर बैठा हुआ है जी। उसका उसकी वालदा है पीछे, जो छोटे जूनियर है ना जी, उनको वो दाना खिला रही है। वो दोनों ही माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं, अल्लाह ज़िंदगी रखे। ये अब दाना खा रहे हैं, ये वालद है उसका, ये टीपू का वालद है। ये देखो मुझे चूचे मार रही हैं, अभी हमें अब कुछ डालो। ये पीछे से ना मुझे आगे ना तो चूचे मार रही हैं। आप ऐसे क्यों आ गए, हमारा दाना लाओ। अभी लाता हूँ, अभी लाता हूँ, थोड़ी देर बाद है, अब टाइम तो हो गया आपका, थोड़ी देर तक लाता हूँ, ठीक है। अब आप थोड़ी सी मौजें कर लो, उसके बाद करते हैं, देते हैं फिर शाम को। दोस्तों हमारे टीपू जूनियर का जूनियर जो है ना जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, अब देखो जी आप कितने बड़े माशाल्लाह हो गए हैं। ये देखो जी माशाल्लाह जी, ये काला है कालू राम, काला जी, ये बड़ा है और ये छोटा है। शाबाशी, ये चिटू राम है जी। ऐ मेरा छोने छोने है, आ चिट्टा निकलेगा, वो काला निकलेगा बस। बस 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 इधर माशाल्लाह जी, वाह हो गई, लगता हफ्ते 10 दिन तक मुकम्मल हो गया। दाना शाना खा लिया है जी, एक कुड़क बैठ गई है, चलो अभी नहीं आपको दिखाना। चल, एक अंडा होता है, उस पर बैठ जाती है, जो उसको ले पे जाती है ना, उस पर ये बैठ जाती है। चलो बस आप रेस्ट करो भाई, हमने ये ना इनके नीचे जो चार पाइया थी ना जी, वो इधर से निकाल दी है, आप इनको स्टैंडों पर लगा दिया है, जो ये अंडे थे ना ये इधर लगे हुए, इनको हमने स्टैंडों पर लगा दिया है, दाना रख दिया है, बोतल माशाल्लाह उधर रहेंगे। अब नीचे ये मुर्गियाँ जो है ना जी, ये उनको तंग करती थी, तो चार पहियाँ ख़राब हो रही थी, इसलिए वो अब निकाल दी है, क्योंकि आप इनको तो हमने ऊपर ले जाना है, इधर अभी सिर्फ बोतल रहेंगे, बाकी जो है ना जी वो हम ऊपर।
ऊपर ले जाएंगे जिन मुर्गियों को, कुछ और मुर्गियाँ फिर लाएंगे बराबर, फिर पूरी करेंगे ना जी। अब इधर तो जगह थोड़ी थी, इसलिए हमने ना इधर ये 80 मुर्गियाँ लाए थे, ये मुर्गे हैं 50 मुर्गियाँ हैं, तो 30 मुर्गे हैं। अब ये अभी इनको बस ऊपर वाला शेड जो है हमारा तैयार हो चला है, जाली लगने वाली रह गई है, तो देखो एक दो दिन में आ जाएगी इंशाल्लाह, फिर इनको ऊपर शिफ्ट कर इंशाल्लाह। शाम का टाइम हो गया, शाम की खुराक इनको दे दी है, अब जो खा लेंगे ना जी, फिर आप सुकून से गुजारा करेंगे। हाँ भाई, इनका अभी नाम नहीं हमने रखा, नाम रखेंगे इंशाल्लाह, फिर आपको बताएंगे कि हमने इसको इनका क्या नाम रखा है। अभी इनका पिंजरा भी लाना है, क्योंकि इधर तो वो अभी जगह है वो दूसरे कबूतरों ने अपनी वो कब्जा किया हुआ, वो इनको तो नहीं जगह देते, लेकिन इनके लिए हमने सोचा अभी एक पिंजरा ले आए जिसमें जिसका मुँह खुला छोड़ देंगे और ये उसमें रहेंगे इंशाल्लाह ताला। कल पिंजरा लाऊंगा ना जाकर इसके लिए, दुकान है ना वो बंद है, पता नहीं वो किधर चले गए हैं। सुबह इंशाल्लाह ताला पिंजरा ला उसको उसमें मुंतकिल करेंगे। हाँ भाई, आप ही आ जाओ नीचे, चलो आप ही जाना, डाल दिया हमने। दोस्तों नूर भी आई है आज स्पेशल, ये मिलने के लिए आई है हमें कोटसोंदा से, आज के ब्लॉग को इधर ही क्लोज करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि हम इन फैंसी जोड़ी का क्या नाम रखें। आप भी हमें बताएं, हम भी सोचते हैं अगले ब्लॉग में इंशाल्लाह इसका नाम रखेंगे। हमारे चैनल सोचा सौदा ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी, आपके दामन का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जी नूर जी, मुर्गियाँ पसंद आए, कबूतर पसंद आए हैं, तो देखो प्यारे लग रहे हैं ना।